कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। और जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे किस तरीके से सोया ऑयल में बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोया ऑयल की अगर बात करी जाए तो सोया ऑयल का बाजार 107 रुपए बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया। और इसी तरीके पामोलिन की अगर बात कर लेते हैं तो पामोलिन का भाव भी बीते हफ्ते में 97 रुपए तक बाजार में कामकाज हुआ। राइस ब्रान ऑयल का भाव 86 रुपए रहा, मस्टर्ड ऑयल का भाव 107 रुपए से 6 रुपए बोला गया, सोयाबीन सीड का भाव 5350 से 5400 रुपए के बीच में बीते हफ्ते बाजारों में कामकाज देखा गया। अगर बात कर ली जाए तो चावल और ओलिन, इस समय अगर बात करी जाए चावल और ओलिन सरसों तेल से इस समय बहुत ज्यादा लगभग निचले स्तर पर ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। इस कारण इस सीजन में प्योर सरसों तेल बिकने में अभी आप संदेह देखा जा रहा है। मार्च 2020 में चावल रिफाइंड कोलू तेल से 13 रुपए किलो सस्ता था, दिसंबर में 2022 में फर्क बढ़ के 19 रुपए किलो का हो गया है। मार्च में अगर डिस्काउंट की बात करी जाए तो मार्च में डिस्काउंट 15 रुपए किलो है। इस कारण सरसों तेल में मिक्सिंग का पूरा संजोग इस समय बन के चल रहा है। आगे आने वाले समय में राइस ब्रांड में जो मिक्सिंग होती है उसका यूज आप लोगों को आने वाले समय में आपको दिखाई देके पड़ेगा। अब जान लेते हैं किस तरीके से अगर बात करेंगे ट्रेड का, जो लगातार ट्रेडर एसोसिएशन लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए ताकि किसान को ऑयल सीड के सही दाम मिले, लेकिन सरकार इस समय इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। सरकार लगातार इसको इग्नोर कर रही है। सरकार को केवल एक ही चीज की चिंता है, इन्फ्लेशन की। इस कारण किसी की भी अगर किसी का भी नुकसान हो इससे सरकार को कोई भी लेना देना नहीं देखा जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो सभी तेल मार्च 2020 के बाद प्री कोविड लेवल से 19 से 29 रुपए किलो तेज है। वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई का लगातार दबाव देखा जा रहा है, इस वजह से बाजारों में आप एक दबाव देख रहे हैं। इसी तरीके अगर बात करेंगे मार्च में एडिबल ऑयल की, अभी आप देखेंगे मार्च में जिस हिसाब से एडिबल ऑयल में गिरावट आनी चाहिए उतनी गिरावट नहीं आई है। मार्च में एडिबल ऑयल बाजारों में स्टेबल बाजारों में अभी तक बने हुए सभी तेल फरवरी के लेवल के आसपास ही है। दिसंबर से कॉटन रिफाइंड, सोया रिफाइंड, सन रिफाइंड, चावल रिफाइंड आज के भाव में दिसंबर से केवल 27 रुपए किलो बाजार में नीचे चल रहा है। केवल ओलिन ही इस समय सबसे ज्यादा नीचे है जो दिसंबर के लेवल के आसपास है। कोलू तेल, सोया तेल, कॉटन रिफाइंड एक भाव है लगभग 102 से 109 रुपए की रेंज में बाजारों में काम कर रहे हैं। विदेशों में लगातार जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से सभी तेलों में आप देख रहे हैं कि जो अंतर होता है वो लगभग समाप्त हो गया है। चलिए जानेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का भाव 875 रुपए, फॉरवर्ड में 880 रुपए, पामोलिन का भाव 930 रुपए, सोया रिफाइंड 1030 रुपए, सोया डीगम का भाव 975 रुपए, फॉरवर्ड में 980 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1110 से 1120 रुपए के बीच बना हुआ है। केएलसी बीते हफ्ते -12 रिंगिट होकर बाजार क्लोज हुआ था, आज भी जो केएलसी खुली है -23 रिंगिट के साथ गिरावट के साथ बाजारों में ओपनिंग हुई है। सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल 100 आप देखेंगे 106 रुपए का है, रेजिस्टेंस का लेवल 108 रुपए का बाजारों में देखा जा रहा है। इसी तरीके आप देख के चल सकते हैं पामोलिन का, अगर सपोर्ट की बात करी जाए पामोलिन का सपोर्ट का लेवल आपका 97 रुपीस और रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5450 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5650 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक आप लेके चल सकते हैं बाजारों में अपने न्यूनतम स्तर पर, बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड सर्विस है, इसका चार्ज लगेगा, फ्री सर्विस एबी लाइव ऐप की नहीं है। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।